राजसमंद जिले से इस वक्त की बड़ी खबर है। नाथद्वारा लालबाग के पास उदयपुर से राजसमंद की तरफ जा रहा बेकाबू कंटेनर ठेला चालकों व दुपहिया वाहन चालकों को रौंदते हुए 20 फीट गहरे नाले में जा गिरा। इस हादसे में कई मोटरसाइकिलें चपेट में आई, कई वाहन चालक चपेट में आए, इन ठेलों पर जो खरीदारी कर रहे थे वे लोग चपेट में आए और करीब एक दर्जन लोग इसकी चपेट में प्रथम दृष्टया आने की सूचना है, जबकि दो लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है। घटनास्थल पर सैकड़ों की तादाद में लोग एकत्रित हो गए और कई राहत कर्मी भी जुट गए हैं, जिनको इस गहरे 20 फीट गहरे नाले में गिरे कंटेनर व उसमें चालक व परिचालक के भी गिरने की आशंका है। तत्काल कुछ लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। हालांकि इस नाले में और भी तलाश की जा रही है कि कुछ और लोग भी इसमें गिरने होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बाहर फोरलेन किनारे दोपहिया वाहन किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और हादसे के बाद कितने लोग एकत्रित हो गए हैं जो जिन्हें इस हादसे को देखने की उत्सुकता है, जबकि अभी दूसरी तरफ पुलिस तैनात हैं और इसी जगह हादसा हुआ था जो बेकाबू कंटेनर था, उसने कई लोगों को चपेट में लेकर इस नाले में वो कंटेनर गिर चुका है। उसके बाद बाहर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हैं जो फिर इसी फोरलेन के किनारे दोपहिया वाहनों को खड़े कर इस हादसे को देखने में लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस भी तैनात हैं, पुलिस इन लोगों को यहां से हटाने के प्रयास कर रही है, लेकिन भीड़ फिर भी पुलिस पर भारी पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कंटेनर की चपेट में लारियाँ और तिनके तिनके हो गए, फल फ्रूट और जो भी उनका सामान थे पूरे तिनके तिनके की तरफ बिखर गया और पूरे फोरलेन पर ये आवाजाही ठप हो गई एक बार की। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था बहाल कर दी, मगर इस हादसे के बाद मौके पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यह नाथद्वारा के लालबाग के पास हादसा हुआ है, जहां अब कंटेनर को निकालने के लिए क्रेन भी पुलिस ने मंगवा दी हैं और कंटेनर को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर तैनात पुलिस